हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग माय जियो एप्लीकेशन में जो फ्री का डाटा यहां पर विन करते हैं तो उसको रिडीम कैसे करते हैं, यानी माय जियो ऐप में जो डाटा यहां पर जीतते हैं आप उसको क्लेम कैसे करते हैं। जो कि यहां पर माय जियो एप्लीकेशन में यदि कोई भी ऑफर आता है तो आप उस ऑफर के तहत माय जियो एप्लीकेशन में 100 MB, 500 MB या 1 GB का डाटा जो भी जीते, इसके लिए आपको करना क्या होगा कि अपने फ़ोन में जाना है और यहाँ पर माई जियो एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपना माई जियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। फर्स्ट बार करें तो आपको मोबाइल नंबर डालकर अपना जियो नंबर इसको लॉगिन कर लेना है। पहले से लॉगिन करके रखा तो आपको इसको ओपन कर लेना। जैसे आप माई जियो एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने खुल कर आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि इस वाले ऑप्शन पर आपको इसको यहाँ पर बैक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस वाले आइकन पे। जैसे इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस सामने खुलेगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है तो आप इंगेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे इंगेज वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पे करना क्या है कि नीचे देखिए ऑफर स्टोर का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। नहीं तो फिर आपको यहाँ पे, चलिए आपको पहले इसी वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे आपको थोड़ा वेट करना है। इसके बाद इसका अगर इंटरफेस सामने खुल कर आ जाएगा तो यहाँ से आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। देखिए यहाँ पे ऑफर स्टोर और माय बिनिंग, तो आपको यहाँ पे माय बिनिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे माय बिनिंग वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर माय बिनिंग में जब आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए सारे कुछ जितने भी आप यहाँ पे बिनिंग किए होंगे, जो जो आपने बिनिंग किया होगा यहाँ पे सारा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जो भी आप गेम खेल कर या फिर आप पार्टिसिपेट कर माय जियो एप्लीकेशन में, यहाँ से आप जो भी डाटा बिनिंग किए होंगे, जो भी कुछ यहाँ पर बिनिंग किए सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बट आपको यहाँ पे करना क्या है कि जैसे आपने यहाँ पर रिलायंस जियो का डाटा, जो मैंने यहाँ पे 100 MB का डाटा बिनिंग किया है, यह आपके जो उसमें होता है माय जियो वाउचर में आपको 7 दिन के अंदर यहाँ पर क्रिएट कर दिया जाता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं बिनिंग योर 7 डे वर्किंग डे, जो कि मुझे यहाँ पर 29 नवंबर को ये डाटा मिला था, लेकिन मैंने इसको अभी तक रिडीम नहीं किया था। क्योंकि यार जब जब आपको यहाँ पे मिलता है आपको 7 दिन के अंदर आपके डाटा वाउचर में चला जाता है। आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्लेम वाले ऑप्शन, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपको यहाँ पे वाउचर वाले ऑप्शन पे पहुँचा देगा। पर आपको यहाँ पे करना क्या है कि डायरेक्ट यहाँ पे क्लेम करके वहाँ पे जा सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि इसको यहाँ से पूरा बैक आ जाना है। आपको बैक आने के बाद होम पेज में आ जाना है। होम पेज में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे जो 3 लाइन दिख रहा है आपको इस 3 लाइन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको ये देखिए यहाँ पे एक वाउचर का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस वाउचर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप वाउचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ सामने यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज खुलेगा। अभी यहाँ पर थोड़ा लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस सामने खुल कर आ जाएगा। जैसे इस प्रकार का इंटरफेस सामने खुल कर आएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सारे बिनिंग कार्ड आपको, नहीं डेटा वाउचर यहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगे। लेकिन मेरे इसमें अभी मैंने एक ही डेटा वाउचर यहाँ पर जो बिन किया है 100 MB का डाटा यहाँ पर वही शो कर रहा है। यदि आपने बहुत सारे यहाँ पर डाटा बिन किए होंगे, बहुत सारे आप आपको वाउचर कार्ड दिखेंगे यहाँ पर। देखिए ये यहाँ पर नॉट ट्रांसफर वाउचर है, जो कि यहाँ पर हम इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे जियो नंबर में। यहाँ पर हम इसको सिर्फ अपने नंबर में रिडीम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे करना क्या, ट्रांसफर नहीं कर सकते आप इसको, आप यहाँ पर रिडीम कर सकते हैं। तो रिडीम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। इसमें जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रिडीम वाले ऑप्शन पे, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 100 MB का डाटा मिल जाएगा। एग्जिस्टिंग प्लान है, जो कि आपके नंबर पर मौजूदा प्लान होगा उसी प्लान पर आपको यहाँ वैलिडिटी मिलेगी। ये पर देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर मेरे प्लान की जो वैलिडिटी है यह यहाँ पर 24 अक्टूबर 2022 को यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। जो इस प्लान को जो मुझे जो 100 MB का डाटा मिलेगा वो भी डाटा यहाँ पर 24 अक्टूबर 2022 को ही यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। यानी जब हम उसको यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पर एक्सपायर हो जाएगा। जो मेरे डेली डेली डाटा है उसको यूज करने के बाद जो यहाँ पर 100 MB आपका जो 100 MB 1 GB जितने भी डाटा आप पिन करेंगे वो इसके बाद ही आप यहाँ पर इसको यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको एस एक्टिवेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप रिडीम नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक किए, इसके बाद आपको एस एक्टिवेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे तो यह आपके इसमें नंबर में रिडीम हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर रिडीम सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर देखिए 100 MB का डाटा, तो आप आपको यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप डन वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसकी कोई यहाँ पर एक्सपायरी डेट नहीं है। आपको यहाँ पर करना क्या है कि देखिए यहाँ पर डन करने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, इसको हिस्ट्री में आप यहां पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। जो कि यहां पर देखिए यहां पर रिडीम हो चुका है। हिस्ट्री में जाकर जैसे आप यहां पर चेक करेंगे, देखिए यहां पर रिडीमेड लिखा चुका है। अब यहां पर आपका जो 100 MB डाटा था ये रिडीमेड लिखा चुका है यहां पर। अब आपको यहां पर व्यू वाले ऑप्शन में जब आप यहां पर जाएंगे तो यहां पर आपको कोई भी कार्ड शो नहीं करेगा, क्योंकि ये देखिए यहां पर कोई भी कार्ड शो नहीं करेगा क्योंकि आप यहां पर रिडीम कर चुके हैं। तो इसके बाद दोस्तों आपको होम पेज में आ जाना है और यहां से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपके नंबर पर यह जो 100 MB का डाटा, यानी कि जितने भी 100 MB डाटा आपने यहाँ पर बिन किया है उसको यह आपके नंबर में क्रिएट हुआ कि नहीं रिडीम करने के बाद, यानी क्लेम करने के बाद। तो आपको यहाँ पर करना क्या है कि देखिए यहाँ पर होम पेज में आपको यहाँ पे देखिए ये तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको यहाँ सामने देखिए
यहाँ पर आपके व्यूज प्लान का ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, तो व्यू प्लान वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर लोडिंग लेने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस सामने खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर डेली डाटा दिखाएगा, डेली SMS पैक आपको दिखाएगा। इसके बाद आपका वॉइस अनलिमिटेड आपका प्लान भी यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद आप कितने का रिचार्ज कराए ऊपर आप देख सकते हैं। इसके बाद नीचे देख सकते हैं आपको एडोन स्वयंबी का जो आपका यहाँ पर डाटा वाउचर हमने यहाँ पे जो क्लेम किया है वो यहाँ पर दिख रहा है। इस प्रकार से आप जितने जो अपना डाटा वाउचर क्लेम करेंगे यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब आपका यहाँ पे डेली डाटा की लिमिट जब खत्म हो जाएगी तभी आप यह डाटा का यूज़ कर पाएंगे, और यह आपका एक्सपायरी डेट इस प्लान की कोई नहीं होती। जब आपका यहाँ पर प्लान खत्म होगा तभी यहाँ पर यह डाटा यहाँ पर एक्सपायर हो जाएगा यदि आप इसको यूज नहीं करेंगे तो।